वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनको अभी तक के पता नहीं है कि ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो सब MSP टूल का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि MSP होता क्या है। तो उसके लिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इट इज अ टूल यूज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसमें आपका जो पूरे प्रोजेक्ट की हम शेड्यूलिंग करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं और उनके रिसोर्सेस को मैनेज करते हुए कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को एक सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, वो चीजें हम लोग डिसाइड करता है MSP। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से बोला शेड्यूलिंग मतलब आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उनकी प्रॉपर शेड्यूलिंग करना डेज वाइज। मतलब कि मैं आज अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो अगर मेरे को 6 महीने बाद प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो मैं कैसे शेड्यूलिंग करूंगा पूरे प्रोजेक्ट की, आप MSP टूल की हेल्प से कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग में आप लोगों का जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है या एक एक्टिविटी आपका जो एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, सपोज अगर आपको फुटिंग कराना है तो आप उसका भी कॉस्ट देख सकते हैं, आप ओवरऑल अपने पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट देख सकते हैं। और थर्ड जो है आपका वो है मैनेजिंग द रिसोर्सेस। मतलब कि यहाँ पे जो हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो होते हैं हमारे साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर, डिजाइन इंजीनियर्स, उसके साथ साथ में जो हमारे मेसन लेबर्स जो काम कर रहे हैं, जितने मटेरियल्स हम अपने प्रोजेक्ट में लगाने वाले हैं वो सब चीजें आप लोगों के लिए रिसोर्सेस में ही काम आएगा। अगर मैं एक छोटे से स्टोरी से आप लोगों को बताऊं तो रिसोर्सेस मतलब कि जैसे अगर आज मैं यहां खड़ा हूं भिलाई छत्तीसगढ़ में और अगर मेरे को अभी गोवा जाना होगा तो गोवा जाने के लिए मेरे को रास्ता पता है, ड्यूरेशन पता है। अब मेरे को रास्ते में लगने वाले रिसोर्सेस जैसे कि मैं यहां से पहले स्टेशन जाऊंगा या एयरपोर्ट जाऊंगा तो उसको जिस गाड़ी में जाऊंगा वहां से मैं फ्लाइट पकड़ के गोवा उतरूंगा तो रास्ते में जितने भी मैं रिसोर्सेस यूज करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूं वही आपके रिसोर्सेस हैं। तो यहां पे सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझते हैं, MSP को समझते हैं। ये वीडियो जनरली जो फ्रेशर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, जिनको MSP टूल के बारे में कुछ नहीं पता, यहां से आज आप लोगों के लिए कुछ बेसिक नॉलेज मिलने वाला है। तो अंत तक के बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं MSP टूल के बारे में, उनके बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले यहां जो हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के लिए, तो यहां पे सबसे पहला हमको जो चेक करना होता है कि हमने जो अपने प्रोजेक्ट के लिए कैलेंडर बनाया है वो प्रॉपर बना है कि नहीं। जैसे कि कहीं कहीं पे जो वर्किंग टाइम्स हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन कितने घंटे काम करेगा, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं वो कब कब काम करेंगे, उनके वर्क वीक्स क्या होंगे, वैसे ही। सेकेंड है आपका यूजर प्रेफरेंसेस में हम लोग जो सेटिंग है वो अपने इंडिया के अकॉर्डिंगली, जैसे रुपीज में कन्वर्ट करना और भी बहुत सारी चीजें जो आगे की वीडियो में आपको समझ में आएंगी। थर्ड आपको जो करना रहता है वो प्रोजेक्टेड प्लान एंड स्टार्ट डेट, मतलब जो हमने प्रोजेक्ट को प्लान किया है उसका स्टार्ट डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट डेट से जब आप उसको प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं तो MSP के हेल्प से आप उसको ऑटो शेड्यूल करके आप एंड डेट अपना फिक्स कर सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है आपका चेक WBS एंड एक्टिविटीज। यहां जो WBS की मैं बात कर रहा हूं वो है आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये ब्रेकडाउन आप वर्ड समझ रहे हैं बीच में, इसका मतलब कैसे हम बड़ी एक्टिविटीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े रेसिडेंशियल एरियाज बन रहे हैं, बहुत नंबर ऑफ फ्लैट्स बन रहे हैं, अगर मेरे को एक फ्लैट के लिए अगर शेड्यूलिंग करना होगा तो मैं वहां पे उसको एक प्रोजेक्ट को मैं एक फ्लैट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल करूंगा, वैसे ही एक एक स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमारा जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। यहां जो
एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा हूं वो आपके स्टेप्स हैं जो आप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में करने वाले हैं। तो ये स्टेप्स हैं कुछ वैसे ही। अब आप लोगों को पता चल गया कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो तो आगे के वीडियोस में पता चलेगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की कि आप अपने प्रोजेक्ट को स्मूथ रन करा सकते हैं, आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की प्रॉपर शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जिससे आपका जो सबसे मेन फैक्टर होता है एक टाइम का, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करते हुए कैसे कॉस्ट को मैनेज करेंगे, ये सब चीजें आप MSP टूल के हेल्प से यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी फर्दर डिटेल्स चाहिए और डीप में अगर आपको और समझना है MSP होता क्या है, तो आज ही लॉग इन करिए www.civilguruji.com पे या आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुछ डाउट्स जो हमारे इंजीनियर्स ने पूछा गया है, जिन्होंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स गुरुजी का खजाना कोर्स लिया है, वहां के उनके कुछ डाउट्स हैं जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। उसके साथ साथ में जो आप यूट्यूब में कमेंट्स करके जो हमसे पूछते हैं क्वेश्चंस, उसके भी डाउट सेशन आप लोगों के लिए रेगुलरली लाया जाएगा। यहां पे जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है फर्नांडिस सर से कि सर आई हैव वन डाउट, द डेटा ऑफ ब्रिक वर्क 0.94 डेज पर मीटर क्यूब, प्लास्टर 0.074 डे पर मीटर क्यूब, टाइल्स के लिए 1.27, पेंट 175 स्क्वायर फीट, पुट्टी व्हाइट वॉश, कैन यू फाइंड इट एनी थंब रूल और IS 7272 पार्ट स्टैंडर्ड डेटा। यहां पे सर का क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि हम लोग जो ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं वो आपके मेसन की वर्किंग इफिशियंसी पे डिपेंड करता है। तो ये सब आपकी वर्किंग इफिशियंसीज हैं जो यहां लिखा हुआ है, ब्रिक वर्क के लिए, टाइल्स के लिए, प्लास्टर के लिए, पुट्टी के लिए, व्हाइट वॉश पेंट के लिए, कि हमारा जो मेसन है वो उस स्टैंडर्ड वर्क को कैसे कंप्लीट कर सकता है, वो उसके लिए वर्किंग इफिशियंसी है, जो कि आप दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट्स DAR प्रिफर कर सकते हैं वर्किंग इफिशियंसीज के लिए, मेसन के लिए, लेबर के लिए, बिस्ती के लिए, बेलदार के लिए, सबके लिए आप वहां से वर्किंग इफिशियंसी ले सकते हैं। तो आज में अगर ये डाउट है तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस डाउट को हम कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो यहां पे मैं एक बात लिख देता हूं कि मेसन का जो वर्किंग इफिशियंसी होता है वो होता है 0.37 डे पर मीटर क्यूब। ये किस केस में होता है, जब हमको कॉन्क्रीटिंग करवाना हो, तो कॉन्क्रीटिंग के केस में आपका जो मेसन का इफिशियंसी होती है वो होती है 0.37 डे पर मीटर क्यूब। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का साइट विजिट करते हैं, तो सपोज आपने सबसे पहले यहां पे साइट विजिट किया, साइट विजिट करने के बाद जब साइट फाइनल हो जाती है वहां पे उसका होता है साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग कराने के तुरंत बाद ही हम लेआउट कराते हैं। लेआउट कराने के बाद लेआउट में आप लोग जनरली क्या करते हैं, जो कॉलम्स हैं उनकी पोजीशन को आप अपने साइट में इन्वॉल्व करते हैं। तो वैसे ही आप लेआउट के बाद क्या करते हैं, एक्सकवेशन, मतलब कि फुटिंग के लिए जो हमको ट्रेंच करवाना होता है तो एक्सकवेशन पार्ट कराते हैं। अब यहाँ एक्सकवेशन होने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है PCC। तो PCC होता है आपका प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। तो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट में अब यहां पे हम कॉन्क्रीटिंग पे आ गए। अब इसके लिए अगर मेरे को ड्यूरेशन निकालना होगा कि मैं जो PCC करा रहा हूं वो मैं कितने दिन में कंप्लीट करा सकता हूं, तो सपोज अगर मेरी PCC की क्वांटिटी आई 8 मीटर क्यूब, अब मेरे को अगर यहां से ड्यूरेशन निकालना होगा तो जस्ट मेरे को यहां पे जो ये मैंने मेसन की इफिशियंसी लिखी है यहां पे काम आएगी। जैसे कि PCC आपका 8 मीटर क्यूब है, तो यहां पे जब मैं ड्यूरेशन निकालूंगा तो मैं जनरली करूंगा 8 मीटर क्यूब इनटू जो हमारे मेसन की इफिशियंसी है जो है आपकी 0.37 डे पर मीटर क्यूब। यहां से आप देख पा रहे हैं कि मीटर क्यूब कैंसल हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई करने पे मेरे को मिलेगा 4 डेज, मतलब कि अप्रॉक्स 4 डेज मिलेगा। मतलब कि ये जो PCC है जो 8 मीटर क्यूब का हमको कराना था वो एक मेसन 4 दिन में कंप्लीट कर देगा।
ये यहां से हम लोग जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड करते हैं। तो यहां पे जो ये वर्किंग इफिशियंसी का फैक्टर है, इसको अगर आपको रिफर करना है तो आप बिल्कुल जाके पढ़िए DAR, जो भी वॉल्यूम आपके पास हो 2018 या 2020, वहां से आप लोगों को मेसन की वर्किंग इफिशियंसी मिल जाएगी। ये आपके फ्रेशर एक्सपीरियंस जिनको MSP नहीं भी आता है उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि वो अपना एक एक्सपेक्टेड या एक अप्रॉक्स डे निकाल सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी कॉन्क्रीटिंग वर्क कराना होगा तो मेरे को कितने डेज लगेंगे, तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउट में चलते हैं। नेक्स्ट डाउट लेके आए हैं इशाद जी, जिन्होंने पूछा है हाउ टू क्रिएट अ कैलेंडर इन MSP में, कि माय कैलेंडर डज नॉट शो द सिलेक्टेड वर्किंग टाइम्स, व्हाई। तो चलिए देखते हैं इसको MSP में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां मेरी MSP ओपन हो गई है। यहां पे हम लोग जब कैलेंडर बनाते हैं तब हम लोग को प्रोजेक्ट में जाना होता है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद चेंज वर्किंग टाइम, और यहां से हम लोग अपना कैलेंडर प्रिफर करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक क्रिएट न्यू कैलेंडर करूं, क्रिएट अ न्यू बेस कैलेंडर, यहां पे मैंने कैलेंडर का नाम दे दिया डाउट सेशन, तो यहां से मेरा कैलेंडर बन गया। मैंने इसको ओके कर दिया, यहां मेरा डाउट सेशन असाइन हो गया। अब मेरे को वर्क वीक्स देना होगा, तो वर्क वीक्स देने के लिए जस्ट मेरे को यहाँ वर्क वीक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद सपोज आपकी कंपनी में अगर मंडे टू सैटरडे काम होता है तो आप मंडे टू सैटरडे सिलेक्ट करेंगे और सेट डेज टू दिस स्पेसिफिक वर्किंग टाइम्स। यहाँ पे जो वर्किंग टाइम डिसाइडेड है वो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर 1 बजे से लेके 5 बजे तक, और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जितना भी मेरा मंडे टू सैटरडे का वर्किंग टाइम है वो चेंज हो गया है। फिर डिटेल्स में जाके आपको बस संडे को सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम पे करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये कुछ बेसिक था एक कैलेंडर के बारे में। फिर अब यहाँ पे जो हमने ये कैलेंडर बना लिया, इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पे जो मेरा कैलेंडर है वो शो नहीं कर रहा है, तो आपको कैलेंडर असाइन करने के लिए प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जाना है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मेरे को एक कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर बनाने के बाद मेरे को यहाँ पे कैलेंडर को असाइन करना है जो कि मैंने बनाया डाउट सेशन का, और इसको क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आपका यहाँ पे जो भी कैलेंडर है वो इस शीट में असाइन हो जाएगा और आगे आप अपना एक्टिविटीज को डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट डाउट यहाँ पूछा गया है हमसे सुनील जी ने, जिसमें पूछा है कि सर हाउ यूज MSP आफ्टर ऑल प्राइमरी सेटिंग, हाउ टू डू ट्रैकिंग डेली, इफ एनी डिले हाउ टू एडजस्ट। यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं MSP में। यहाँ पे मेरी शीट बनी हुई है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने एक स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट का। यहाँ पे इनको बोला जाता है आपकी एक्टिविटीज, जिन पे आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं। यहाँ पे जो आप साइड में देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट। अब यहाँ पे हम जो यूजर प्रेफरेंसेस सेट करते हैं, तो यूजर प्रेफरेंसेस में जनरली हम लोग फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जनरल में, फिर डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाके आपको बस ये चीज चेक करना होता है कि यहाँ जो सिंबल है, प्लेसमेंट है, डेसिमल डिजिट्स है, करेंसी है, वो INR मतलब इंडियन रुपीज में है कि नहीं। फिर शेड्यूल में आप लोगों को चेक करना होता है कि कैलेंडर ऑप्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो आप कैलेंडर बनाए रहते हैं वो यहाँ पे आपका असाइंड दिखाता है। फिर उसके बाद आपको जस्ट यहाँ चेक करना रहता है कि शो असाइनमेंट यूनिट एज अ परसेंटेज को आपको जस्ट यहाँ पे डेसिमल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आपका यूजर प्रेफरेंसेस सेट हो जाता है। रही बात ट्रैकिंग की, तो ट्रैकिंग के लिए आपने जो डेज, जो ड्यूरेशन, जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया कि आप ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, उसको ट्रैक करने के लिए जस्ट आपका जो ये प्रीडिसेसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट कौन से एक्टिविटी के बाद शुरू होगा। यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज भी लगाए हैं और यहाँ पे कुछ परसेंटेज कंप्लीट के भी ऑप्शन है। यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट मैंने 100% दिया है, मतलब कि यहाँ पे मेरा जो पहली एक्टिविटी है वो मैंने 100% कंप्लीट कर ली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ सैंड फिलिंग की, जिसको मैंने दिया है 3 days, तो जस्ट ट्रैक करने के लिए मेरे को अपने शेड्यूल का ध्यान देना है कि मेरी जो सैंड फिलिंग है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ परसेंटेज कंप्लीट दिखाता हूँ। अगर किसी रीजन से मेरी एक्टिविटी डिले होती है तो जस्ट ट्रैक करते हुए हम उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं, या हम प्रीडिसेसर की हेल्प से उसके एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को वापस से कैसे लाइन पे ला सकते हैं ताकि आपका कोई भी टाइम है जो वो डिले ना हो।
तो और अगर इस चीज को और अच्छे से जानना है तो आप विजिट कर सकते हैं www.civilgurus.com पे, जहां पे आप लोगों को पूरा एमएसपी के बारे में हर एक चीजें बताई जाएंगी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। तो जैसे कि आज के वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि एमएसपी में कैसे डाउट्स आते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं एमएसपी को, आज जो वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है जो एमएसपी के बारे में, बेसिक्स के बारे में, अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आज ही कॉल करिए 9111001234 पे। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन में, पर उससे पहले, जाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। सुबह जो आज मैंने आप लोगों के लिए चैनल में वीडियो अपलोड किया है वो जाके देखिए, उसमें आप लोगों के लिए फ्री कोर्सेस अवेलेबल है। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरु जी के साथ।